हकीकत ते सच सदा बोले आए, हकीकत ते सच सदा बोले आए, जुबाने नबी चू खुदा बोले आए, रजा लफ़ सारे कुरान बन गए जदों भी मेरा मुस्तफा बोले आए। और मत सोच, मत सोच कि हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए, मुमकिन ही नहीं कि हर कारी को कुरान समझ में आ जाए। माशाल्लाह कारी साहब दा तलावत कुरान मजीद सुन के जिस बंदे नु जहान भुल गया है ते रहमान याद आ गया है, वो बंदा एक हाथ उच्चे करके उच्ची बोले सुभान अल्लाह। इंज ने मैं आख्या कि उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। अजे भी कुछ बंदे अपने हाथों लुकाई खड़े ने, कुछ बंदे पहिंदे भी नहीं पाए, पीछे लुक लुक के बैठे ने। जेडे बंदे अजे तक पीछे लुक के बैठे ने, पंडाल ते नहीं पहिंदे पाए, उन वास्ते मैं कथा अर्ज कर देना वा कि ऐन है ते गैन कह नहीं, ऐन है ते गैन कह नहीं, दुख ढेर है ते चैन कह नहीं, मैं उस बंदे नु पत्थर समझा जांदे दिल विच हुसैन कह नहीं। मेरे बेलियो नवे मिसरे ने बिल्कुल नवे मिसरे पानी पी लो, बेशक जिन्ना मर्जी पी लो, लेकिन सुभान अल्लाह ने पीनी, क्योंकि मैं वेख रहा सा कारी साहब तलावत फरमा रहे हैं ते अद्यो ज्यादा बंदे पीछे खड़े ने। पंडाल तशरीफ ले आओ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत दा पाक बरकत कलाम सुन के खड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि बैठ के सुनना चाहिए। बड़ी मेहरबानी बह जाओ। और सुभान अल्लाह भी बोलना चाहिए, चुप चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एक शार लिखा है कि चुप चुप बंदा ते बोर लगता है, चुप चुप बंदा ते बोर लगता है, खुश खुश बंदा ते होर लगता है, और पूरे 90 नेकियां लभदियां ने, सुभान अल्लाह ते कड़ा जोर लगता है। जे गल चंगी लगे तो हाथ चुक बोलिया करो सुभान अल्लाह, क्योंकि हुसैन हक के जर ते फिदा नहीं होया। आज मैं तुहाडा अकीदा चेक करना है, वो बंदा हाथ खड़ा करे जिदा अकीदा के मौला हुसैन हक के। आज मैं अकीदा चेक करना, अकीदा चेक करना, किदा किदा अकीदा के मौला हुसैन हक के। तवज्जो रखिया जे, हुसैन हक के जर ते फिदा नहीं होया, जिसका सजदा कजा नहीं होया, हुसैन मजहर और शान रखता है, और कुरान जिस तू जुदा नहीं होया। हुसैन मजहर और शान रखता है, कुरान जिस तू जुदा नहीं होया। इस तनाली जनाब मोहतरम सनाखान मुस्तफा अब्दुल कयूम रजवी साहब, अब्दुल कयूम रजवी साहब आए करीम लाजपाल की बहरगाह में अकीदत के फुल निशान फरमाएंगे। नारा तकबीर, उच्ची बोल मेरा वीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया।